माइक से बोलिए। गोरखपुर से। गोरखपुर से क्या नाम है आपका? रेनू। जाति? यादव। यादव, आपने आहिरवार में गुप्त और लंबे शादी की क्या? हाँ जी। माइक से बोलो। हाँ जी। धन्यवाद। बात सिद्ध। क्या पूछना चाहते हैं, क्या विषय है, बोलिए क्या चाहते हैं आप? गुरुजी, पहला काम तो तबीयत खराब रहता है तुम्हारा। हाँ जी। क्या हो गया था तुम्हें? सर में बहुत दर्द होता है, बच्चे के लिए आए हैं। अच्छा, आप पति आए हैं? हाँ जी। कहाँ हैं? बुलाइए। इनके पतिदेव जो है वो आ जाए। आइए। क्या हो गया बेटा आपको? माइक उठाइए। गुरुजी, इनको बच्चा ठहरता है। बच्चा क्या होता है? गर्भधारण होता है। जी, जी। 5 से 6 महीने जाते जाते तक वो केस खराब हो जाता है। आपकी शादी कैसे हुई, थोड़ा बताएं। ये अपना लव मैरिज है गुरुजी। कैसे हुआ था? यदि किसी को करना हो तो ट्रेनिंग पूछ कैसे हुआ? घर से भाग के हुआ था। घर से भाग के हुआ? हाँ जी। तो स्वयंवर किया था? नहीं। तो भगोड़ा ब्याह है? अब बुरा मत मानो, होता है, अलग अलग स्वयंवर होते हैं। भगोड़ा विवाह, युद्ध विवाह, मारकाट विवाह, अपहरण विवाह, कौन सा किया था? लव मैरिज है, घर से भाग के शादी हुई है। मतलब घर से भाग जाओ उसे लव हो जाता। हाँ जी। मायके जाती हो बेटे उनको? नहीं। हाँ नहीं। वो आते मायके वाले? नहीं, इनका भाई एक होता है। भाई आता है? भाई प्यार करता है? हाँ जी। छोटा भाई? छोटा भाई है और भाभी है। उसको पटा के रख लिया होगा आपने? नहीं। पहली बार आया था? रहता है वो मेरे पास ही है। अभी भी रहता है? साथ ही रहता है। तो उससे भी भगोड़ा ब्याह कर लिया होगा, भगोड़ा साला। चलो, कोई और कोई बात नहीं। और फैक्ट्री है अपनी गुरुजी, उसमें क्या फैक्ट्री है? ये अपना गारमेंट है। गवर्नमेंट है? गारमेंट, गारमेंट कपड़े बनते हैं, टी शर्ट पजामा। अच्छा। ट्राई सूट वगैरह बनता है सब। अब सुनिए मैंने क्या लिखा है, सुनिए मेरी बात सही। पता ना, पत्नी का जन्म तारीख आपको पता है? आपको नहीं? क्यों, शादी की और पता ही नहीं आपको? इनका कुछ इनके पास आपको पति की जन्म तारीख पता है? माइक से बताओ, बताओ पति की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, तारीख बताइए। 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर। तुम्हारी तारीख क्या है? पता ही नहीं। खड़े हो, पहले आप अपनी तारीख देखिए। 13 दिसंबर पति की तारीख है और इनके 3 पति हैं, एक रवि द्वारा, एक मनोज और एक आप। माइक से बोलो। हाँ है ना? हाँ जी। पहले इनकी शादी कहीं और हुई थी? हाँ जी। फिर उनकी दूसरी जगह हुई? हाँ जी। फिर तीसरे तुम भगा ले गए? हाँ जी। डाटा लो, मजे डाल लो। और आपने कहा मुझे जन्म तारीख पता नहीं है, आपने कहा, आपने बताई मैंने आपकी जन्म तारीख लिखी है, लेकिन मैंने वहां दिखाई, मुझे नहीं दिया था साहब। अच्छा, ये लिखा 12 दिसंबर दिख रहा है आपको, और आपकी पत्नी की जन्म तारीख 24 तारीख नकली, 24 तारीख नकली है, 12वां महीना है, 1992 नकली तारीख है। वो आधार कार्ड में डलवाया गया है? आए? आधार कार्ड में वही है 24/12 है। बोलो बहन। ससुर का तबीयत बहुत खराब है घर से। तुम कौन सा सन मानते हो अपना? अभी सन 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 किसका अपना? हमारा है 1987। सही है, क्योंकि ये 13/12/1987 दिन रविवार 13 दिसंबर वही है। और कोई नहीं। चलिए, आधार कार्ड कहाँ इनका दीजिए? पड़ा यहाँ पे, अपने पास ही है। ये काय का कार्ड रखा है? ये आपकी पर्ची है। ये कार्ड काय का रखा? कार्ड रखा है, ये कार्ड रखा, ये कार्ड तो दिख रहा है, काय का रखा है? ये ड्राइविंग लाइसेंस है? अच्छा,
555501। और जी काय का कार्ड है? एटीएम है ये? नहीं। ये क्या होता है? पैन कार्ड है के ओ देखिए एफ देखिए एक्स क्यू पी आर 6947 के राइट। देखो और दूसरा लीजिए ये श्री हनुमान जी पंडोस का कृपा करेंगे और आपके घर में शुभ शीघ्र ही पुत्र होगा, आशीर्वाद है। गुरु जी पापा बहुत परेशान है। जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद पकड़िए उसको और सीधे नीचे उतर जाइए।